हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह की कसर नफसी के बारे में तहरीर है जी। फरमाया कि जब जाकिर के नज़दीक बद हज़म बराबर हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला काम बन गया, अपने आप को ऐसा गिरा दे और नीचे उतार दे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और यकीन पैदा हो जाए कि मैं ही सबसे कम तरीन हूँ, सब मुझसे अच्छे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि बहावलपुर में हज़रत अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि हमारा नामा अमाल तो स्याह है ही, ये बात यकीन के दर्जे को पहुंच चुकी है कि हमसे तो गली का कुत्ता भी अच्छा है। शायद ये बात मग़फ़रत का सबब बन जाए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिबदार होकर बहावलपुर में आया। ये वाक़या जो है उस मुकदमे की जानिब इशारा है कि एक बार एक खातून का शौहर मुर्तद हो गया, कादियानी हो गया, तो उसने बहावलपुर में खुला का दावा कर दिया था और हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी उस मुकदमे की कार्रवाई में पेश थे, बल्कि सारे कारवां के सिपा सलार वही थे और उन्हीं की कोशिशों से वो मुकदमा जो है इंशाअल्लाह उसमें माशाअल्लाह फतह हुई थी। हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका में उस मुकदमे का फ़ैसला नहीं हुआ था। आप रहमत ने फरमाया था कि अगर इसका फ़ैसला आ जाए तो वाह भला, वरना जिस रोज़ फ़ैसला आए मेरी कब्र पे आके ये फ़ैसला सुना दीजिएगा। और ऐसा ही हुआ कि कातिब तकदीर को यही मंजूर था कि आप रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया, सारी कार्रवाई और सारी पेशरस सारे दलाइल की तकमील उनकी हयात मुबारका में हो गई थी, बल्कि शदीद अलालत के बायस भी बहुत दूर का सफ़र करके, दो दो रोज़ का सफ़र करके बहावलपुर तशरीफ़ लाया करते थे। तो हज़रत उसी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि शायद ये बात मग़फ़रत का बायस बन जाए कि शायद यही बात मग़फ़रत का बायस बन जाए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिबदार होकर बहावलपुर में आया था। ये बात सुन के तमाम मजमा चीखें मार उठा। हज़रत अक़दस हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह पर इस वाक़े को सुनकर बहुत रकत तारी हुई, फरमाया कि वाकई शाह साहब तो आयत मन आयत अल्लाह थे। हज़रत अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह से तलमसीयत के बारे में फरमाते हैं कि हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी ने फरमाया कि मैंने मुल्ला हसन और तरमदी का कुछ हिस्सा हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा है। सबक पढ़ाते वक्त कहीं के कहीं निकल जाते थे, मैं तो गैर मुकल्लद हो जाता अगर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर ना होता। जब हाजिर हुआ तो तरमदी का ने फातिहा खल्फ इमाम की बहस हो रही थी, हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह की तकरीर सुनी तो कल मुतमईन हो गया कि हमारे पास भी दलाइल मौजूद हैं। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का एक जिक्र और उनकी एक दलील के बारे में फरमाते हैं। एक दफ़ा सुनहरी मस्जिद दिल्ली में मैंने देखा कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह का जिक्र दरमियाना जहर के साथ कर रहे हैं। हुजरे के अंदर बैठे थे और दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। उस वक्त मैं समझा कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी सूफ़ी भी हैं, हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाते हैं। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के इब्तदाई हालात के बारे में फिर फरमाते हैं कि 1940 में एक दफ़ा मैं रायपुर हाजिर हुआ तो फरमाया कि भाई मौजुद्दीन साहब खादिम थे, हम भी उजरे में लगे रहते थे, पुराना गुड़ रखा था उसको साफ़ करके रख लिया, बस चाय में वही डाल कर पीती थी।
और टूटी हुई लाठी थी कि जहरीले जानवरों से उसको भगा दिया करते थे। और बैटरी वैटरी कभी देखी भी ना थी, ना लालटेन ले जाते थे, बस अंधेरे में ही अल्लाह तबारक ताला हिफाजत फरमाते थे। जिक्र से ऐसी तबीयत चस्पा हुई कि एक ही मजलिस में पूरा कर लिया करता था, नहायत शदमत से जिक्र करता था। मौलाना मोहम्मद याहिया रहमतुल्लाह अलैह भी सहारनपुर से तशरीफ लाते तो मेरे पास आ बैठते कि तेरा जिक्र सुनने आया हूँ। 3.5 घंटे में पूरा हुआ करता था। जब कमर थक जाती तो एक तख्ती का सहारा ले लेता था। जिक्र पूरा किए बगैर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। अब तो लोगों को कम ही जिक्र का ज़ौक़ और शौक है। एक शेर फारसी का, उसका तर्जुमा लिखते हैं कि सूफी उस वक्त तक साफ दिल नहीं हो सकता जब तक मोहब्बत इलाही का जाम ना नोश कर ले। सालक को बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि वो कामिल और पुख्ता हो जाए।